हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जैसे कि ओप एक डोर को खोलना बंद करना टूथ पेस्ट ट्यूब जो होता है उसको स्क्वीज करना पिकिंग अ बुक बुक पिक करना हिटिंग अ बॉल विद अ बैट बैट को बॉल से हिट करना कैचिंग अ बॉल बॉल कैच करना पुलिंग अ चेयर एक चेयर खींचना लिफ्टिंग अ बॉक्स एक बॉक्स उठाना एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हम अपने दिन में करते हैं ऑल दीज एक्टिविटीज रिक्वायर अस टू अप्लाई सम काइंड ऑफ एड फोर्स इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हम कुछ तरीके का किसी तरीके का फोर्स की जरूरत पड़ती है इन सब एक्टिविटीज को करने के लिए देखिए ये एक्टिविटी कर रहा है एक पत्थर को खींच रहा है ये पुल कर रहा है इसे पुल बोलते हैं और ये एक पत्थर को धक्का दे रहा है इसे बोलते हैं पुश नाउ फोर्स अ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पुश और पुल एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट मे गिव एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट एंड कॉज इट टू स्टार्ट मूविंग स्टॉप मूविंग और चेंज इट्स मोशन एक फोर्स को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं एक तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये एक पुष या धक्का या खिंचाव होता है किसी ऑब्जेक्ट पर जिससे उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी पैदा हो जाती है एनर्जी आ जाती है और उस एनर्जी की वजह से वो ऑब्जेक्ट या तो स्टार्ट हो जाता है मूव करना या वो मूविंग से रुक जाता है चलते चलते और या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है इसे हम बोलते हैं फोर्स बल जिससे हम किसी चीज की डायरेक्शन जिस पर लगाकर हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं उसको रोक सकते हैं उसको चला सकते हैं ये होता है फोर्स एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू ओपन अ डोर यू एग्जर्ट अ फोर्स ऑन इट टू कॉज इट टू मूव अगर आप एक डोर ओपन करना चाहते हैं तो आप उस पर फोर्स लगाएंगे उसको मूव करने के लिए इंक्रीजिंग योर फोर्स विल मेक इट मूव फास्टर और अगर आप इस पर फोर्स और बढ़ा देंगे तो वो और तेजी से मूव होने लगेगा इफ यू वॉन्ट टू कीप द डोर फ्रॉम ओपनिंग अगर आप इसे खोलने से रोकना चाहेंगे यू ऑल्सो अप्लाई अ फोर्स ऑन इट तब भी आप इस पर फोर्स लगाएंगे दिस टाइम द फोर्स प्रीवेंट्स द डोर फ्रॉम मूविंग अब इस बार फोर्स उसे रोकेगा खुलने से उस डोर को खुलने से रोकेगा एंड इफ यू वॉन्ट टू चेंज द डायरेक्शन इन विच द डोर इज मूविंग और अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहेंगे जिस डायरेक्शन में डोर मूव हो रहा है यू एग्जेक्ट अ फोर्स ऑन इट तब भी आप इस पर एक फोर्स लगाएंगे चाहे इसकी अब डायरेक्शन बदल रहे हैं या उसको खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं तब तीनों टाइम में आप इस पर एक फोर्स लगाएंगे फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन फोर्स इज एक इंटरेक्शन मीन्स परस्पर क्रिया की वजह से होता है हाउ डज द फोर्स कम टू इंटू प्ले फोर्स किस वजह से एक्टिव होता है फोर्स कैसे एक्टिव होता है फॉर द फोर्स टू कम इंटू प्ले फोर्स को एक्टिव होने के लिए देअ शुड बी टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर दो इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट होने चाहिए मतलब दो परस्पर क्रिया करने के लिए ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए वन ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड एक जिस पर फोर्स लगना है एंड द

अब वो पुश करता है कार को द कार बिगिनस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अब वो कार मूव करना स्टार्ट हो जाएगी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है थर्स इंटरेक्शन बिटवीन द कार एंड द मैन रिजल्ट फोर्स टू एक्ट बिटवीन द टू इस वजह से इंटरेक्शन से दोनों के बीच जो कार और मैन ने के बीच इंटरेक्शन हुआ उसके रिजल्ट की वजह से एक फोर्स एक्ट हुआ बीच में उन दोनों के इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज में और मे नॉट इन्वाल्वर डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन में दो बॉडीज के हो सक ये हो भी सकता है कि दोनों डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट में हो और ये हो भी नहीं सकता कि डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट में हो रिजल्टेंट फोर्स वेन टू फोर्सेज अप्लाइड ऑन अ बॉडी जब दो फोर्स एक बॉडी पर लगाए जाते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट पर और जब वो एक ही सेम डायरेक्शन में लगाए जाते हैं देन द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू फोर्सेज तो वो जो उनका टोटल फोर्स होगा जो उन पर लग रहा है वो इक्वल होगा उन दोनों फोर्सेज के सम के बराबर एंड द डायरेक्शन विल रिमेन सेम और उनकी डायरेक्शन सेम रहेगी जैसे कि एक दो इंसान हैं दोनों एक तरफ ही उसको प्रेस कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इक्वली होगा उन दोनों फोर्स के सम के बराबर होगा और जो उनका डायरेक्शन होगी वो चेंज नहीं होगी वो रिमेन सेम वो ऐसे ही रहेगी बट वैन टू फोर्सेज एक्ट एट द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन अब जब दो फोर्स एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं देन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द फोर्सेज तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो उन दोनों फोर्स के डिफरेंस के बराबर होगा जो दोनों टीम लगाएंगी जो दोनों साइड से फोर्स लगेगा उन दोनों फोर्स के डिफरेंस के बराबर होगा एंड डायरेक्शन विल बी अलॉन्ग द ग्रेटर फोर्स और जो डायरेक्शन होगी वो ग्रेटर फोर्स की तरफ होगी दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर इन विच टू टाइम्स एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं एक गेम होता है देखिए टग ऑफ वॉर ये आपको पिक्चर में देख रहा है दिख रहा है इसमें टू टीम्स होती हैं जो एक रोप को एक अपने अपने डायरेक्शन में खींच रही होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही होती हैं द द द मेंबर्स ऑफ टीम पुल रोप इन द डायरेक्शन जो दोनों टीम के मेंबर्स होते हैं वो रोप को अपनी डायरेक्शन में खींच रहे होते हैं द टीम दैट अपलाइज अ ग्रेटर फोर्स वो टीम जो ज्यादा फोर्स लगा रही होती है विंस द डायरेक्शन वो विंस द गेम वो गेम को जीत जाती है नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स बल्कि प्रभाव

द ऑब्जेक्ट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन इट तो वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा फोर्स लगने की डायरेक्शन की साइड में नेक्स्ट है आपका सेकेंड फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है तो उसको हल्का कर सकता है या तेज कर सकता है फोर्स लगकर वैन अ फोर्स एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन जब फोर्स लगता है मोशन की डायरेक्शन में द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है बढ़ जाती है फॉर एग्जाम्पल इन द गेम ऑफ क्रिकेट क्रिकेट के गेम में वैन अ बैट्समैन बैट्स अ मूविंग अ फास्ट मूविंग बॉल जब एक बैट्समैन फास्ट मूविंग बॉल को पुश करता है इन द सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में ऑफ द मूवमेंट ऑफ बॉल बॉल के मूवमेंट की सेम डायरेक्शन में द स्पीड ऑफ द बॉल इज इंक्रीज तो बॉल की स्पीड इंक्रीज हो जाती है सेकेंड है आपका वैन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन जब फोर्स लगता है डायरेक्शन डेमोशन के अपोजिट डायरेक्शन में द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज तो स्पीड जो होती है ऑब्जेक्ट की वो कम हो जाती है फॉर एग्जाम्पल वैन आप बैट्समैन अ फास्ट मूविंग बॉल इन दी अपोजिट डायरेक्शन जैसे कि एक एग्जाम्पल है एक बैट्समैन मूविंग बॉल की अपोजिट डायरेक्शन में उसे हिट करता है द स्पीड ऑफ बॉल डिक्रीज वो स्पीड जो होती है बॉल की वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द फोर्स बींग अप्लाइड फ्राम हिज बैट जो फोर्स उसकी वजह से उस बैट पर लगा है उस वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है सो so, उस बैट से जो फोर्स लगा है बॉल पर उसकी वजह से उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है मीन्स कम हो जाती है नाउ थर्ड पॉइंट फोर्स स्लोज डाउन और कंप्लीटली स्टॉप अ मूविंग बॉडी फोर्स स्लो कर देता है एक मूविंग बॉडी को या पूरी तरीके से रोक देता है वैना फोर्स इज अप्लाइड ऑन द व्हील्स ऑफ अ साइड बाईसाइकिल बाई यूजिंग द ब्रेक्स जब फोर्स लगाते हैं हम किसी बाईसाइकिल पर के व्हील्स पर एक ब्रेक लग यूज करके इट इट्सलोज डाउन और स्टॉप द मूविंग बाइसाइकिल वो या तो उसको रोक देता है या धीरा कर देता है बाइसाइकिल को सिमिलरली अ गोल कीपर कैन स्टॉप अ फुटबॉल द एट द नेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल इसी तरीके से गोल कीपर फुटबॉल को रोक सकता है एक अपना फोर्स लगाकर बॉल पर फोर्थ है आपका फोर्सेस फोर्स चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फोर्स ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर देता है फोर्स ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है मोशन की जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर देता है ड्यूरिंग अ फुटबॉल गेम द प्लेयर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल बाय किकिंग इट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एक फुटबॉल के गेम में प्लेयर्स मूविंग बॉल को किक करके उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं सिमिलरली रोटेटिंग द स्ट्रीट स्टेयरिंग व्हील ऑफ अ कार इसी तरीके से जो मूविंग कार होती है उसके कार के स्टेयरिंग व्हील को रोटेट करने से और टर्निंग द हैंडल बार ऑफ अ बाईसाइकिल जो हैंडल बार होता है बाईसाइकिल को उसको टर्न करने से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट से राइट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट द व्हीकल तो गाड़ी की इसके इससे डायरेक्शन चेंज हो जाती है स्टेयरिंग से और उसके हैंडल बार से इस तरीके से फोर्स से चेंज की जा सकती है मोशन की डायरेक्शन फिफ्थ है आपका फोर्स चेंज शेप्स एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर देता है बैंड फोर्स इज अप्लाइड टू डो यूजिंग अ रोलिंग पिन जब फोर्स अप्लाई किया जाता है एक डोपा यानी कि जो हमारे आटे का जो लोई होती है उस पर हम रोलिंग पेंट मतलब बेलन से उस पर फोर्स लगाते हैं तो द डो चेंज शेप तो उसका डो का पेला जो होता है आटे का उसका शेप चेंज हो जाता है सिमिलरली अ रबर बैंड स्ट्रेचेज एंड चेंज इट्स साइज वैन अ फोर्स अपलाई टू इट इसी तरीके से एक रबर बैंड को हम खींचते हैं तो उससे भी उसका साइज और शेप चेंज हो जाता है उसका साइज चेंज हो जाता है जब उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेज फोर्सेज मे बी क्लासीफाइड एज फोर्स को हम इस तरीके से क्लासीफाइड कर सकते हैं कॉन्टेक्ट फोर्सेज कॉन्टैक्ट फोर्सेज दो विच एक्ट ओनली ओनली वैन एन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड ब्रिंग अबाउट नेसेसरी चेंज कॉन्टेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है ये तभी एक्ट करता है जब हम ऑब्जेक्ट्स हमारे फिजिकल कॉन्टेक्ट में होते हैं एक दूसरे से और उससे उनमें ज़रूरी चेंज आते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स वो फोर्स है जो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में होकर उसमें चेंज लाता है कॉन्टैक्ट फोर्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स कॉन्टैक्ट फोर्स इस तरीके के होते हैं मस्कुलर फोर्स द फोर्स एग्जर्टेड बाई द मसल्स ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स वो फोर्स जो इंसान की मसल्स या जानवरों की मसल्स से लगता है वो होता है मस्कुलर फोर्स वी यूज आर मसल मस्क्युलर फोर्स ज्यूरिंग वॉकिंग रनिंग किकिंग एंड लिफ्टिंग सर्टे ऑब्जेक्ट्स हम अपना मस्कुलर फोर्स लगाते हैं वॉकिंग में रनिंग में किकिंग में और लिफ्टिंग सर्टिन ऑब्जेक्ट कुछ ऑब्जेक्ट्स को उठाने में एनिमल्स एक्जर्ट मस्कुलर फोर्स टू डू हैवी वर्क अचे एनिमल्स अपना मस्कुलर फोर्स लगाते हैं कुछ हैवी वर्कस करने में जैसे पुलिंगा कार्ड कार्ड को खींचने में प्लोइंग और कैरिंग हैवी लोड्स एक्सेट्रा फ्रिक्शनल फोर्स वैन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग और रोलिंग ऑन अ सरफेस एक जब एक ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा होता है या रोल कर रहा होता है एक सरफेस पर अ फोर्स कम इन टू प्ले बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट तो उन दोनों के बीच एक फोर्स एक्टिव हो जाता है उन सरफेस के बीच और उस ऑब्जेक्ट के बीच ये एक कॉन्टेक्ट फोर्स है इट ट्राइज टू स्टॉप दूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग वो वो फोर्स जो एक्ट होने लगता है ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस फोर्स 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 को हम बोलते हैं ऑफ ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन द एक्ट अलॉन्ग टू सरफेस सर्फेसिस इन कॉन्टेक्ट ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर होता है दोनों सरफेस के बीच जो कॉन्टेक्ट में है दोनों ऑब्जेक्ट पर फेस एक तो हमारा सरफेस जिस पर रोल कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच एक्ट होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ड्यू टू द रफनेस ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उस सर्फेस की रफनेस की वजह से अ स्मूथ सर्फेस एग्जर्ट लेसर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देन अ रफ सर्फेस एक जो स्मूथ सर्फेस होता है उससे कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है और जो रफ सर्फेस होता है उससे ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज एक्शन एट अ डिस्टेंस जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता है एक दूसरे से सम फोसेज डो नॉट इन्वाल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज ऑन विच दे एक्ट कुछ फोर्सेज में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है जिन दो बॉडीज पर एक्ट हो रहा है जो दो बॉडीज एक दूसरे से एक्ट करती हैं उन दोनों में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है कुछ फोर्सेज ऐसे होते हैं दे एक्ट थ्रू द स्पेस बिटवीन दैम वो एक्ट होते हैं दोनों के स्पेस से जो दोनों के बीच में स्पेस है सच फोर्सेज आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज ऐसे फोर्सेज को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप वो इतने तरीके के होते हैं फर्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड दैट ग्रेविटी इज अस एक्स एट अस एंड ऑफ मैटर टूवर्ड्स ईच अदर आइजैक न्यूटन ने खोजा था कि ग्रेविटी एक फोर्स है जो एक डिस्टेंस से वर्क करता है और ये जो मैटर है मैटर होता है बॉडीज का उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है देखिए हमारे अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हर चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करती है कोई भी चीज़ ऐसे हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द एसिलेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट स्वीट किसी वस्तु पर किसी चीज पर पृथ्वी से जो अर्थ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो उस चीज के मास पर जो ग्रेविटेशनल का तोवरण होता है मतलब तेजी होती है उस चीज के वजन के बराबर होता है द लॉ ऑफ ग्रेविटी डिटरमाइंस हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट विल फॉल ये लॉ ऑफ ग्रेविटी ही डिटरमाइन करता है कि कोई भी चीज कितनी तेजी से गिरेगी जितना वजन है उसके हिसाब से ही उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमें बताता है कि कोई कि चीज़ कितनी तेज़ी से गिरेगी जितनी भारी चीज़ होगी वो उतनी तेज़ी से गिरेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फोर्स इज अनदर काइंड ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक अनदर काइंड है फोर्स का विच कैन पुश और पुल टाइनी ऑब्जेक्ट जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स को पुश और पुल कर सकता है द द एक्टिविटी एक्टिविटी ऑन प्रीवियस प्रीवियस पेज पेज विल प्रूव इट दे रखी है एक पर जिसमें दिखाया गया है कि एक हमने बिट्स ऑफ पेपर लिए उसको रखा हमने पेपर पर छोटे छोटे टुकड़े किए पेपर के और हमने एक कॉम लिया कंगा उसको हमने अपने हेयर पर रब किया अब उसको हम एक दूर से उस पेपर को दिख के सामने दिख लगाएंगे तो वो पेपर उसकी तरफ अटैक होने लगेंगे तो इनके बीच जो लग रहा है फोर्स वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसी तरीके से हम स्केल से करते हैं देखा है इस तरीके से तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है नाउ मैग्नेटिक फोर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्जर्टेड बाई मैगनेट्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स जो फोर्स अट्रैक्शन का होता है अपनी तरफ खींचने का और रिपल्शन मतलब दूर फेंकने का जो मैग्नेट्स करते हैं इस तरीके के फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स अ मैगनेट अट्रैक्ट मैग्नेट अट्रैक्ट करती है आयरन फिलिंग्स को नेल्स मीन कीलों को एंड अदर ऑब्जेक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट को जो आयरन स्टील और निकल और कोबाल्ट के बरी होते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स फोर्स की यूनिट मतलब फोर्स को किस चीज में मेजर करते हैं कैसे मेजर करते हैं फोर्स इज अ मेजरेबल क्वांटिटी फोर्स एक मेजरेबल क्वांटिटी है इसको मेजर किया जा सकता है इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस इसको एक डिवाइस का यूज करके मेजर कर सकते हैं कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस जिसे हम स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं इस डिवाइस को जिससे हम फोर्स को मेजर करते हैं द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड हैंम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन हु स्टडीड फोर्स एंड मोशन जो ऐसा SI यूनिट है फोर्स की वो है न्यूटन न्यूटन में, में मेजर करते हैं और इसको नेम मिला था एक साइंटिस्ट के नेम से आइजेक न्यूटन जिनका नेम है जिन्होंने फोर्स और मोशन मींस बल और गति को स्टडी किया था उसके बारे में स्टडी किया था अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन चेंज द स्पीड ऑफ अ वन किलोग्राम मास बाय अ बाय वन मीटर पर सेकेंड एक फोर्स वन न्यूटन का फोर्स चेंज कर सकता है स्पीड एक किलोग्राम मास की एक मीटर पर सेकेंड तक अनदर यूनिट ऑफ फोर्स कॉल्ड दी यूनिट इज किलोग्राम फोर्स एक अनदर यूनिट है फोर्स की जिसे हम ग्रेविटेशनल यूनिट बोलते हैं यह किलोग्राम फोर्स किलोग्राम फोर्स फोर्स इज द विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ मास वनो के जी वेट इज पुल टूवर्ड्स द अर्थ वन किलोग्राम फोर्स वो फोर्स है जिस पर ऑब्जेक्ट एक किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट पुल हो सकता है अर्थ की तरफ वन के जी फोर्स इक्वल 9.8 न्यूटन के बराबर होता है एक किलोग्राम फोर्स होता है 9.8 न्यूटन में के बराबर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन कैलकुलेशन कन्वीनियंस मतलब कैलकुलेशन में आसानी uh, के लिए सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जनरली वन किलोग्राम फोर्स इक्वल होता है टेन न्यूटन के और uh, मतलब कैलकुलेशन में आसानियत के लिए वन किलोग्राम फोर्स को टेन न्यूटन मान लिया गया है जैसे कि ऊपर दिखाया गया नाइन पॉइंट तो इसको राउंड ऑफ करके टेन न्यूटन बना दिया गया है नाउ दैट्स ऑल फॉर टूडे आगे की टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे ना होमवर्क टाइम होमवर्क में आपको वन ट्वेंटी वन पेज नंबर के सेल्फ चेक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ओके थैंक यू एंड हैव नाइस डे